Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Hope you all are good. मैं हूं दरक्षा शुएब और लाई हूं आज आपके लिए ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी जिसका नाम है कोकोनट डिलाइट। सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना के ये कोकोनट डिलाइट अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ाइए और ये आप ईद के लिए और किसी भी दावत के लिए आसानी से बना सकते हैं और अपनी खुशियों को दुबाला कर सकते हैं और आप किसी के घर गिफ्ट भी लेकर आ सकते हैं। बहुत ही आराम से बनती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 1.5 कप लिया है मैंने कोकोनट यानी पिसा हुआ खोपरा, 3/4 कप लिया है मैंने कंडेंस मिल्क, इलायची पाउडर लिया है मैंने 2 पिंच, 1 टीस्पून लिया है मैंने बटर और उसके साथ मैंने 1 पिंच लिया है पिंक कलर। आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, ग्रीन, येलो, मैं ले रही हूँ यहाँ पे पिंक कलर। और इसकी ऊपर की कोडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे 1/4 कप कोकोनट। सबसे पहले एक खुले पैन को लेकर उसको लो फ्लेम पर गर्म कर लेना है। उसके बाद इसमें बटर ऐड करा है मैंने, बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको मेल्ट करा है। उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कोकोनट। याद रहे फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए क्योंकि कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है, हल्के हल्के हाथ से इसको रोस्ट करना है। इसका कलर चेंज ना हो ये याद रखिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए। जब कोकोनट बटर में मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें ऐड करना है 2 पिंच इलायची पाउडर और उसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसी तरह से लो फ्लेम पे चमचा चलाते जाना है। और जब कोकोनट से हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें कंडेंस मिल्क और इसको हल्के हल्के हाथ से हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है साथ साथ। याद रखें फ्लेम बिल्कुल लो है, इसकी फ्लेम आपको बिल्कुल हाई नहीं करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको टेस्टी क्राफ्टी की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज मिलती रहें। पाँच मिनट तक आपको इसी तरह कोकोनट को भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता कंडेंस मिल्क का, ये बिल्कुल एक जान हो जाएगा। इसी तरह से चमचा चलाते जाना है हल्के हल्के हाथ से। कंडेंस मिल्क का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है बॉल्स बनाने के लिए। इसके बाद मैं एक खुली प्लेट में इसको निकाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और ये जब हल्का हल्का सा गर्म होगा तो इसकी हमें बॉल्स बनानी है। बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए वरना बॉल सही नहीं बनेंगी। ये मैंने 2 पार्ट में कर लिया है और इसमें 1 पार्ट में मैं ऐड कर रही हूँ पिंक कलर। आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, या आप अपने किसी भी ओकेजन की थीम के लिहाज से इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। कलर को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है, आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं ताकि बिल्कुल एक ही जैसा कलर आए। ये देखिए मेरा पिंक कलर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल एक जैसा आया है सब तरफ से। आपको भी इसी तरह से तैयार करना है। अब मैं हल्के हाथ से इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी और उसके बाद उसमें कोटिंग कर दूँगी कोकोनट के ऊपर से। यहाँ मैं सर्व करने के लिए कपकेक की बेस यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मिठाई का डब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी फैंसी ट्रे में आप डेकोरेट कर सकते हैं। आपको इसी तरह से स्मूथ सी बॉल बना लेनी है और लास्ट में
ऊपर से कोटिंग कर दूंगी। और ये रेडी है हमारी कोकोनट डिलाइट, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने सारे पिंक बना लिए, उसके बाद मैं जो सादा है उसके तमाम बॉल्स बना लूँगी और इसी तरह से ऊपर कोटिंग कर दूँगी। थैंक यू सो मच ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई सब्सक्राइबर हु लाइक माई वीडियो, हु शेयर माई वीडियो एंड हु कमेंट माई वीडियो एंड सेंड मी फीडबैक। थैंक यू सो मच, हाईली अप्रिशिएट योर कमेंट एंड फीडबैक। 1.5 कप कोकोनट में या आपकी मीडियम साइज की 10 बॉल्स तैयार हो जाएंगी, अगर आप इसे छोटी करेंगे तो इसे ज़्यादा तैयार हो जाएंगी। नाउ आई रेडी ऑल माई कोकोनट डिलाइट, please do try at your home and thank you so much for watching my full video. Remember me in your prayers. Allah Hafiz. If you're not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon button. And do like and share my video.